अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ नाज़रीन। आज हम बनाएंगे कचनार गोश्त। ये मेरे पास जो है हाफ के जी मटन है, जिसको मैंने ऊपर रख दिया है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास कचनार है, ये भी हाफ के जी है। इसको इस तरीके से हम तोड़ लेंगे, सिर्फ इसको एक बड़ी डंडी होती है उसके साथ से इसको अलहदा कर लेंगे, ना इसको काटना है और अच्छी तरह से धोना है। पहले इसको दो पाँच मिनट के लिए पानी में भिगो कर रखना है, ताकि इसके ऊपर की जो मिट्टी है वो अच्छी तरह गीली हो जाए, और फिर जब हम इसको मले अच्छी तरह तो मिट्टी उतर जाए, ठीक है। ये हम अच्छी तरह धोकर मैंने इसको रख लिया है। लहसुन है मेरे पास, ठीक है, दो दरमियानी साइज़ के मैंने प्याज ले लिए हैं, और नाज़िम टमाटर इसमें ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। हाफ़ के जी कचनार और हाफ के जी मटन, उसमें ये 250 ग्राम जो है ना टमाटर, ठीक है। बाकी आम जो स्पाइसेस होते हैं वो जाएंगे। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया है, 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर है, 1/2 टीस्पून हल्दी है मेरे पास, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, नाज़िर ये जो मटन होता है इसका कुछ थोड़ी सी इसकी ना स्मेल सी होती है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले इसको ना घी में थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे, सिर्फ जस्ट 5 मिनट के लिए, ताकि इसकी वो स्मेल जो है ना वो ख़त्म हो जाए। नाज़िर बहुत सिंपल तरीका है इसके पकाने का। अक्सर जो है ना औरतें बहनें मुझसे पूछती हैं कि कचनार को कैसे बनाया जाए, जिस तरीके से मैं आपको बनाना बताऊंगी बहुत मज़े की बनती है और बहुत ज़बरदस्त बनती है, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी, उसके बाद जो है ना अगला प्रोसीजर हम करेंगे कि हमने करना क्या है। नाज़िन ये तकरीबन अभी 3 मिनट मुझे हुए हैं भूनते हुए, लहसुन मैं इसके साथ ही ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा इसको भी भून लेंगे। अदरक भी डालेंगे, लेकिन बाद में मैं काट के अदरक इसमें डालूंगी, मुझे वो अच्छा लगता है। आप चाहें तो कूट कर डालें, लहसुन अदरक दोनों ही डालने हैं, ठीक है। अदरक अभी मैं आपको बताऊंगी कि हम एंड पे मैं काट के इसको डालूंगी, ठीक है नाज़िन। थोड़ा भी इसको मैं भूनूंगी, ताकि इसकी जो मटन की एक ठीक सी होती है वो ख़त्म हो जाए। प्यारी बहनों, मैंने ये कचनार में बना चुकी थी, तो बाद में मुझे ख्याल आया कि मुझे आपको बनाने का तरीका भी बताना चाहिए था। ये देखिए, ये जो फूल है ये हम निकाल देंगे, अगर आप चाहें तो इसको भी साथ डाल लें, क्योंकि शुगर के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इस सूरत में और भी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इसको आप चाहें एक दो बीच में आ जाते हैं तो इनको निकाल दें, ठीक है। ये देखें, सिर्फ इस शक्ल में हमने इसको करना है, कोई और काट नहीं लगाना, सिर्फ डंडियों से इसको अलहदा करना है और धोना बहुत अच्छे तरीके से है। ये दोबारा मैं आपसे कह रही हूँ, ठीक है जी नाज़रीन। प्यारी बहनों, मटन जो है मैंने घी में इसको कम से कम 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब मैं इसके अंदर बाकी स्पाइसेस ऐड करूंगी। सबसे पहले ये प्याज ऐड कर देंगे, ठीक है, टमाटर ऐड कर देंगे, और ये वाले स्पाइसेस जो हमने रखे थे ये भी ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हाँ, तो प्यारी बहनों अभी मैं इसको मटन को नहीं भूनूंगी, अभी मैंने सारे स्पाइसेस इसमें डाल दिए। पहले मैंने इसको घी में 5 मिनट फ्राई किया है, अब मैं इसमें रिक्वायर्ड के मुताबिक पानी ऐड करूंगी और प्रेशर को बंद करके इस मटन को गलाऊंगी, ठीक है। उसके बाद हम इसको भूनेंगे, क्योंकि आपको पता है अफतारी के टाइम से पहले हमने हर चीज़ तैयार करनी है, तो इसलिए मैं इसको प्रेशर में गला लूंगी। अगर आप प्रेशर के बगैर पका रही हैं तो भी इसका यही प्रोसीजर है, सिर्फ आप कम से कम इसको 2 घंटे पहले रख दें और तेज आग के बाद हल्की आग और मटन को गला लें आप अच्छी तरह। जी नाज़रीन, टाइम हो चुका है, प्रेशर हम खोलेंगे और अपने सबसे पहले अपने गोश्त को चेक करेंगे कि हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है, ठीक है जी, गल चुका है जी नाज़रीन। 5 मिनट तक, जब तक कि हमारा मसाला जो है दानेदार ना बन जाए और घी ना छोड़ दे, तब तक मैं इसको भूनूँ, ठीक है। और फिर मैं
अगला प्रोसीजर आपको बताती हूँ। प्यारी बहनों, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहन की हौसला अफजाई करें। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, ढेरों खुशियां दे, आमीन सुमा आमीन। जी नाज़रीन, ये देखिए गोश हमारा अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसको नीचे उतार लूंगी, ठीक है, और ये हम कढ़ाई रखेंगे ऊपर, ठीक है। इसके अंदर जो है ना 4 टेबल स्पून ऑयल के मैं डालूं, क्योंकि हम गोश्त में पूरा ऑयल जो है ना डाल चुके हैं। इसमें वैसे थोड़ा ज्यादा ही डलता है, एक और डाल लेते हैं। खुश्क होती है, ऑयल जरा गर्म हो जाए। अब ये कचनार मैं इसमें डालूंगी, ये जो बड़े फूल हैं ये हम निकाल देते हैं। जी तो प्यारी बहनों, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे सिर्फ 2-3 मिनट के लिए। इसको फ्राई इसलिए हम कर रहे हैं, इसमें एक ग्रीन जो पत्ते वाली सब्जियां या ग्रीन सब्जियां होती हैं, इसका एक कच्चा कच्चा पन होता है कचनार का, वो इससे खत्म हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको फ्राई किया जाता है। जरूर बनाएं, इसी तरीके से बनाएं। जो शुगर पेशेंट है उनके लिए तो ये एक तोहफा है, थोड़े टाइम के लिए आती है लेकिन बहुत फायदेमंद चीज है। आप उनको जरूर बना के दें अपने घर में, जो भी आके, अल्लाह ना करे कि कोई शुगर पेशेंट हो, लेकिन आप उनको जरूर बना के दें। अच्छा, ये कोई नुकसानदेह चीज नहीं है, अगर आप साथ पकाना चाहें तो पका सकते हैं, और अगर आप निकाल दें तो ठीक है। जी नाज़रीन, इसको मैंने कम से कम 3-4 मिनट के लिए भून लिया, बहुत ज्यादा नहीं भूनना, दरमियानी आंच पे हम भूनेंगे। अब जो गोश्त है भुना हुआ मैं इसके अंदर ऐड करूं। जी नाज़रीन, अब इसमें तकरीबन 1/2 कप के करीब मैं दही का ऐड कर दूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप चाहे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि खटास इसमें ज़्यादा हो तो अच्छी लगती है, ठीक है। अब मैं इसको भूनूंगी जब तक ये घी ना छोड़ दे, दही का पानी खुश्क ना हो जाए, और फिर बस हम इसको चूल्हा बंद करके दम पे रख देंगे 2-3 मिनट। जी नाज़रीन, कचनार हमारी तैयार हो चुकी है, ये अदरक अब मैं इसमें डालूंगी, ठीक है। अदरक के साथ 1 टेबल स्पून जो है ना बारीक काट के मैं हरी मिर्चें डालूंगी, क्योंकि हरी मिर्चें ज्यादा करनी नहीं है, अगर ज्यादा करनी हो तो फिर आप सोच समझ के डालें, ठीक है। ये देखिए जनाब, इसका मसाला चेक करें और इसको आप जरा चेक करें, इसकी शक्ल चेक करें, जायका मैंने चेक कर लिया है, इतनी ये जबरदस्त बनी है, किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं आएगी। सब्जे की जो स्मेल होती है वो आपकी खत्म हो जाएगी जब आप इसको जस्ट 3-4 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे फ्राई करेंगे। प्यारी बहनों, धनिया मैं इसमें नहीं डालती, धनिया मैं नहीं डालूंगी, और अब इसको मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, तो हमारी कचनार गोश्त जो है वो रेडी हो चुका है, बहुत मजे का बना, आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, धनिया आपने इसमें नहीं डालना, ठीक है। अदरक मुझे कच्चा पसंद है, मैंने डाल दिया, अगर आप कूट के डालना चाहें डाल सकती हैं, बहुत ज़बरदस्त होती है, बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। प्यारी बहनों को ये बता दूँ, स्किन के लिए बहुत अच्छी है, और ज़ख़म को बहुत जल्द ये ठीक करती है, रिपेयर करती है, शुगर के लिए भी अच्छी है, और जायका भी ज़बरदस्त है। प्यारी बहनों, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहन की हौसला अफजाई करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें, अल्लाह आपको औलाद की खुशियां देखना नसीब करे, और इस मुबारक महीने में, रमज़ान के महीने में, जो लोग बीमार हैं, शुगर पेशेंट और ब्लड प्रेशर के मरीज जो है, अल्लाह ताला उनको स्टेबल रखे और पूरे रोज़े करने की तौफीक अता करे, आमीन सुमा आमीन। नई रेसिपी के साथ नवीदा वही दोबारा हाजिर होगी, जल्द मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।